अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू, और वो भी स्किन वाइटनिंग के लिहाज से और जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन है उसके लिहाज से। लेकिन उसको जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हम द ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू देने लगी हूँ वो ये दो प्रोडक्ट्स हैं। एक दोनों सेफ्रिन कंपनी की हैं, एक है सेफ्रिडर, ठीक है, और एक है जी रिवोडर्म। ये बोथ हैं और मैं जो हूँ आजकल यही यूज़ कर रही हूँ, और मेरी स्किन पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा है। और इसको अपने यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिवोडर्म का जो है वो आपने कैसे यूज़ करनी है, इसमें क्या चीज़ है और बेसिकली किन लोगों के लिए बनी हुई है। सो रिवोडर्म जो है ना, ये बेसिकली जो है ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग करने के लिए नहीं है, लेकिन ये हाइपर पिगमेंटेशन को कवर करती है, और ये एडवांस पिगमेंट रिड्यूसिंग इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें जो है जिससे ये मिलाज़मा को रोकती है, कोलाज़मा को रोकती है, फ्रैकल्स को रोकती है, हाइपर पिगमेंटेशन को रोकती है। और जो है ना, ये बेसिकली ये वाली जो क्रीम है ये मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर ली थी, और मैंने कहा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर किया जाए कि जो है वो मैं कैसे यूज़ करती हूँ। सो ये जो है वो रिवोडर्म है। यहाँ आई होप कि कैमरा एडजस्ट कर रहा होगा। रिवोडर्म, ठीक है, इसके जो है ये पीछे भी सारी इंडिकेशन लिखी हुई है, और ये जो है ये बेसिकली डब्बे पे भी सारी लिखी हुई थी। अच्छा, ये बेसिकली सारा कुछ वही है कि ये मिलाज़मा को कवर करता है, कोलाज़मा को कवर करता है, फ्रैकल्स को कवर करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कवर करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो मैं आपको बता दे चलूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या है इसमें, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। आपको पता है लिकोराइस जो एक्सट्रैक्ट होता है ना वो स्किन वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस इसमें जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि स्किन को पील करता है, और आपने जो है वो इसमें जो है वो उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, विटामिन ई है और कोजिक एसिड डिप्लोमेटेड है, उसके अलावा ये कि अल्फ़ा आर्बिटिन है, ठीक है। ये सारी जो है ना ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्किन वाइटनिंग नहीं है ये, बेसिकली ये स्किन को इवन टोन करते हैं, इस तरह इवन टोन करते हैं कि इसके पिगमेंट को लाइट करता है, और पिगमेंटेशन जैसे जिन लोगों की यहाँ छाइयाँ होती हैं, प्रॉपर फ्रैकल्स बने हुए होते हैं, उनको जो है ये कम से कम करता है। अच्छा, और इसकी जो क्रीम को मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये क्रीम इसकी जो है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने इसको यूज़ कर लिया है, और इसकी क्रीम को मैं दिखाऊं तो इसकी क्रीम का कलर कुछ ऐसा है, बिल्कुल वाइट, लाइक वाइट टाइप है, ठीक है, इस तरह करके। और इसको आप जो है ना अपने अफेक्टेड एरिया पे भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाना चाहते हैं। आप फर्ज करें कि आपके यहाँ पर पिगमेंटेशन है, सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑन द अफेक्टेड एरिया जस्ट पिगमेंटेशन रिमूवल, अदर देन दैट जो है यू जस्ट हैव टू पुट ऑल ओवर योर फेस, ताकि आपके फेस का एक ही जैसा पिगमेंट हो जाए और जो छाइयाँ और जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इसमें जो है वो बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड डला हुआ है, तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना आपकी स्किन को पतला 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 पील करता है। और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन आई होप कि वैसे कंपनीज को फ्रेगनेंस नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फ्रेगनेंस आर नॉट गुड फॉर द स्किन, बट ये है कि आप जो है ये इसको जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ ये कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इन्होंने विटामिन ई को मैंशन किया हुआ है कि विटामिन ई है और ग्लाइकोलिक एसिड है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो स्किन होती है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। अच्छा, और उसके अलावा ये कि आपने इसको यूज़ बनी हुई है ग्लो करने के लिए स्किन को, मतलब आपकी जो पिगमेंटेशन है ना उसको ख़त्म करेगी, और आपकी स्किन जो है जैसा कलर होगा वैसे ही रहेगा, लेकिन पिगमेंटेशन जैसे छाइयाँ अक्सर लोगों की मोस्टली क्रीम्स लगाने से हो जाती हैं, जैसे जो ये आपकी होती है गोल्डन पर्ल और इस तरह की क्रीम्स लगाने से आपकी जो है वो यहाँ पर जब आप छोड़ते हैं तो काले काले धब्बे बन जाते हैं, और वो बहुत डीप होते हैं, नहीं जाते। सो ये क्रीम जो है उनके लिए। ओके, और ये वाली जो क्रीम है ये आपको फार्मेसी से मिलेगी 1150 रुपीज़ की, और इस क्रीम का ये वही 30 ग्राम्स है इसकी ट्यूब, और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी है। उसका कलर वाइट ही रहा है, इसका कलर जो है ये ग्रीन कलर की है, ये देखिए ऐसी है, ठीक है। और इसकी भी खुशबू इन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ डाली हुई है, लेकिन अच्छी खुशबू है, आपका दिल करेगा लगाने का। और इस तरह जो है ना इसका कलर जो है ना वो ऐसे आएगा, ठीक है। ये आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके अपने अपने फेस पे लगानी है। उसके बाद जो है वो इसको आपने जो है वो सिर्फ नाइट टाइम में लगानी है, पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद अपने इसको लगा लेना है, और एवरी नाइट आपने यूज़ करना है। डे में यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको डे में यूज़ करें, और डे में यूज़ करने के लिए यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एंड इट्स अ मस्ट हैव, ठीक है।
आपने उसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, ये दोनों जो है ना वो बेसिकली इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का फ़र्क है। आप कोई भी बाय करना चाहते हैं आप कोई भी बाय कर सकते हैं। अगर आप सेफ्रीडम बाय करना चाहते हैं सेफ्रीडम करें, इफ़ यू वांट टू बाय दिस वन क्रीम इट्स सो गो फॉर दैट, बिकॉज ये दोनों की जो प्राइसेस में खैर आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और दोनों जो है वो बेसिकली वाइटनिंग के लिए नहीं बनी हुई, ये ब्राइटनिंग स्किन के लिए बनी हुई है कि ब्राइट करने के लिए, और ये वाली जो है वो। और ये बेसिकली मुझे खैर दोनों क्रीम्स का फार्मूला एक जैसा लगा है, बट उसमें जो है जो आपका ये वाली जो रिवोडर्म है, ये वाली रिवोडर्म जो है इसमें जो है वो ये है कि इसका जो डिफरेंस था वो ये था कि इसमें विटामिन ई इन्होंने ज़्यादा डाला हुआ है, सो इस वजह से जो है ना वो इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत है कि आपकी स्किन पे मतलब वो मॉइस्चराइज करती है, जैसे वो पिगमेंटेशन को हल्का हल्का करेगी तो मॉइस्चराइज भी करेगी, क्योंकि ग्लाइकोलिस एसिड जो होता है ना वो बेसिकली पीलिंग का काम करता है, और जब स्किन पील होती है तो स्किन जो है ना वो ड्राई होने लग जाती है। तो आपको स्किन को ड्राई नहीं करना, आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज होगी तो आपकी स्किन बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। इसी तरह जो है ये सेफ्रीडम है, ये सेफ्रीडम जो है ना ये बेसिकली जो लोग ग्लो चाहते हैं स्किन के ऊपर वो लोग इसको लगाएं, और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको 2 वीक्स के बाद आता है। और जो है इसकी ऑलमोस्ट जो है प्राइस है उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 500 रुपीज़ का है, वो 495 की है, ये 1150 की है, सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। 30 ग्राम्स दोनों की ट्यूब है। आई होप आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ थम्स अप एंड प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस विल मैटर मीन्स अलॉट फॉर मी। आई होप दिस वीडियो विल वर्क फॉर यू इन हेल्पिंग सर्चिंग अ गुड प्रोडक्ट फॉर योर स्किन एज वेल। टिल विल मीट यू अगेन, विल टेक केयर एंड बाय।